इमरान भाई, आज आपको फिर आपसे टाइम लिया थोड़ा सा, और अब मुझे ये बताएं कि कुछ न्यूज़ सुनने में आ रही है कि टेंडर पास हो गया और राणा इमरान को मिला जिसको पिछले साल मिला था, क्या ये हकीकत है? राणा इमरान को मिला तो है, मगर यह है कि इस दफ़ा दिशान साहब को भी माल काफ़ी ठीक ठाक मिला है, और टेंडर में मेरा ख्याल में ये पार्टनरशिप में साथ ही है इनके, और माल हमारा निकल चुका है। अब ये है कि भाई मैं ये नहीं बता सकता कि वो कल उतरे या कल शाम तलब या कल रात तलब कल सुबह तलब। अच्छा, उम्मीद तो कल तक, परसों, कल परसों नहीं, परसों का पक्का है, परसों का पक्का है, मंडी लगी हुई है। ठीक है, इंशाल्लाह तो टेंडर पास हो गया। और टेंडर तो मैंने आपको दोबारा बोलता हूँ, मेरा बच्चा राणा इमरान को टेंडर पास हुए हुए भी आज पूरे 10 से 15 दिन हो चुके हैं। कुछ अभी इमरजेंसी ये लगी हुई है, कुछ हालात ऐसे हुए हुए हैं, आपको पता है कल परसों से हालात कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं, मुल्क के भी नज़र आ रहे हैं, और पीछे जानवर भी जो आ रहा है, और कुछ लोगों ने ये गफ्फा उड़ा दिए कि बीमारी आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के कुर्बानी करने का हिसाब किताब है। आई समझ में ये जो जानवर जो आ रहे हैं ये इंशाल्लाह, हाँ इंडिया का जानवर उसका हमें, मैं कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा, मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता और ना मैं कुछ बोल सकता हूँ। हाँ, मेरे अपने मुल्क का जानवर की मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन इमरान भाई मेरा बच्चा यार फार्म वगैरह पे दिखा रहे हैं कि जानवरों को बीमारी तो है यार। मैं ये नहीं बोलता हूँ, मैं देखो अभी तो हर इंसान को बीमारी हुई भी है, इंसानों को ही नहीं तो जानवर ही, तो ये तो जानवर है मेरा बच्चा। ठीक है, आई समझ में, अल्लाह की राह के अंदर मैंने आपको बताना है, एक कतरा दो या 20 किलो खून दो या करोड़ किलो खून दो, देखो आपने कुर्बानी करनी है। पहली बात तो ये, आप जानवर देखो, ठीक है, सही है, आजकल लोग देखते हैं जानवर मोटा, आई समझ में, और तगड़ा जानवर को ये नहीं देखते, मोटा जानवर तो देख लिया है, तो बैठता तो उठता ही नहीं है, उठता तो बैठता ही नहीं, इंजेक्शन भी लगाए हुए होते हैं बहुत सारे। आप अब मैं आपको वो चीज़ में बताने के लिए जा रहा हूँ कि वो कोई ग्वाला कोई भी आई व्यापारी नहीं बताएगा, मगर ये इमरान भाई आपका अपना भाई है, आई समझ में, वो आपको वो चीज़ें बता रहा है, आप भले लो या ना लो, जानवर को पकड़ो उसकी नकेल, आई समझ में, उसकी नकेल पकड़ के जानवर की, जानवर की नकेल पकड़ के मुंह के पास ला के उसका मुंह चेक करो। एक होती है घास की बदबू, ठीक है, सही है, एक होती है गंदम की बदबू, ठीक है, एक होती है दूसरी स्मेल, मेडिसिन स्मेल। माशाल्लाह से समझदार पढ़े लिखे लोग हो यार, आप लोगों को समझाने की भी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल, ऐसा उनमें ये तीन चीज़ें देखना उसके, ऐसे जब नकेल पकड़ोगे ना मुंह से उसके स्मेल, एक होती है गोबर की, बिल्कुल आती है अक्सर, एक गोबर की मेरा बच्चा वो अलग होती है। आप बाड़ों में भी जाते हो देखा होगा, बड़े भैंस कॉलोनी थी इधर उधर, आपके इलाकों में भी बाड़े थे, बचपन से जा रहे हो गए, देखा होगा बाड़ों में दूध दूध लेने के लिए जाते हो गए, बिल्कुल, तो मेरा बच्चा जानवर को चला के चेक करो, ठीक है, आई समझ में, जानवर उठ रहा है, बैठ रहा है, सही चल रहा है, फिर रहा है। दूसरी बात ये, नथला नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी सुना है जो के बीमारी आई है उसकी पहचान यही है, नजला और आंखों से आंसू आना नहीं होना चाहिए, और जानवर रोना नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, वो अलग बात है कि नखेल डाली हुई है, जानवर तकलीफ के अंदर है, रो रहा है जानवर, वो अलग चीज़ है, ठीक है, सही है, जानवर अगर ज़बरदस्ती के उसके नखेल भी सही डाली हुई है फिर भी जानवर रो रहा है, जेल के अंदर है, तो मेरा बच्चा कोशिश ये करना कि उस जानवर को भाई उसको बुला के, बीमारी को बुला के बोल देना उसको, ये नखेल बाबा दूसरी डालो या इसके नकेल निकालो। तो अच्छा, मुझे ये बताए ना कि
टेंडर के हवाले से जो बात अभी फैलाई जा रही है वो तो हकीकत है कि टेंडर पास हो गया आज से बेटा, परसों आपको खुद पता चल जाएगा आप लोगों को कि टेंडर पास हुआ है क्या, इमरान भाई झूठा है या आप सच्चे हो? नहीं नहीं, आप इंतजामिया के बंदे हो, आप तो कैसे झूठ बोल सकते हो यार? आपको इंतजामिया की बात नहीं है, आप पहले भाई हो, इंतजामिया तो भाई बहुत दूर है। मगर आप लोगों के साथ मेरी अच्छी सलाम दुआ है, मेरा बच्चा मंडी जाओ देखो बालो, आज समझ में अल्लाह की राह के अंदर ये पैसा आपका जाना है, आज समझ में मेरे घर तो गोश्त नहीं आ रहा ना लोगों घर गोश्त जा रहा है। सही है, आप कुर्बानी करोगे मेरे को खुश नहीं, मेरे अपने रब को खुश करोगे और मेरे रब को खुश करोगे, रब खुश होगा भले आप छोटा जानवर ना हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार ये 3 करोड़ वाला ले भी जाओ, 2.5 करोड़ वाला ले भी जाओ, हैसियत के मुताबिक जो आपकी हैसियत है आपके पास अल्लाह ने दिया है, अच्छा जानवर खूबसूरत जानवर आई सब, भले वो छोटा जानवर हो, 2.5 मन का हो, 2 मन का हो, 3 मन का हो, आई समझ में जानवर अच्छा हो और छोटा हो, आई समझ में लेके आओ जानवर अच्छा हो, बस इस चीज़ का ख्याल रखना, जानवर को चलाना मार्केट के अंदर। आजकल लोग होते हैं ना जानवर को देख लेते हैं भैंसा खड़ा हुआ है, वो कितने का, 2 करोड़ का, 2.5 करोड़ का, 3 करोड़ का लेके तो आ जाते हैं, मगर उसका मुंह चेक नहीं करते, उसकी टांग चेक नहीं करते, उसका पेशाब चेक करते ही नहीं हो तुम लोग, वह जानवर खरीदने से अपने कागज खड़े करने में लगे पड़े हो, हम बहुत बड़ा जानवर लेके आओ यार, ये कुर्बानी मेरी नज़र में भाई नहीं है, भले आप मानो नहीं मानो ये अल्लाह को देना है आपको खून। आज समझ अभी भाई भाई ऊपर वाला भाई अभी परसों का सीन सुनाऊँ मैं आपको, वेस्ट कॉलोनी का ताज़ा सीन सुना रहा हूँ, 3 भाई तीनों तगड़े एक ही मंडी में माल खड़ा हुआ था, जबरदस्त माल माशाल्लाह से 8 से 8.5 मंडी का माल खड़े तो और भी है माशाल्लाह से, तीनों जिद कर रहे हैं माल डलवाने के अंदर, वो 2.5 करोड़ रुपए का एक पीस था, 8 मंडी का था, 2.5 करोड़, मगर क्या छोटा छोटा मुंह और छोटी टांग वाला, देखा ना हाथी वो। अब यार तुम लोग आए हो एक दूसरे की आवाज की खोपड़ी में, अब हम लोगों को तो फायदा हो गया, हम लोगों ने तीनों माल दिखाया उनको, अपने पैसे सीधे करे, मगर उसके बाद हमने देखा यार ये क्या है यार, ये तो दिखावा चल रहा है। 3 भाई तीनों भाई प्रोटोकॉल के अंदर अलग अलग अपनी पूरी फैमिलियों के साथ आए, माल को भी ले गए, मगर क्या एक दूसरे की आवाज़ की खोपड़ी में, एक का था 8.5 मन, एक का था 7 मन ऐसी कुछ किलो, और एक था 850 से ऊपर था, हाँ 9 तक का टाप रहा था, मगर क्या फ़ायदा ऐसा सीरीज वाला माल ले लेना है। जब आपको मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ मेरा भाई मंडी इससे अच्छा ना, अल्लाह ने आपको दिया है ना, तो मेरा भाई साफ सुथरा जानवर लेके आओ, बानो मिलाओ दुलाओ, ऐसा हो सके तो मेरा रब बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, उसको अपने घर की रोटी ज़रूर खिलाना, 4 से 5 दिन तक आपके घर पे बना हुआ है ना, वो जो घर में हमारी माँ बहनें जो रोटियाँ बनाती हैं वो रोटी, भले वो भिगो के खाए भले वो ताज़ी रोटी, भले एक रोटी उसको जरूर देखना खा रहा है, और खा लिया उसने एक रोटी आपकी तो यकीन मानो अल्लाह की राह के अंदर आपकी कुर्बानी, तो यकीन मानो सही बात मेरा भाई। बाकी बची जो दाना मान पानी है, आई समझ में डालो उसको, गर्मी ज़्यादा है, कोशिश ये करना कि भाई गेट पे जहाँ बांध रहे हो कच्चे में नहीं बांधना, आई समझ में खुद को भी देखना, नाक को भी देखना, पैर को भी देखना, दम को भी देखना, ये 4-5 चीज़ें ज़रूर देखना, ये 4-5 चीज़ें ज़रूर देखना मेरा भाई, ये 4-5 चीज़ें ज़रूर देखना। और जान लेके आता हूँ और हर 2-3 दिन के बाद जानवर को एक बाल्टी से आई समझ में उसके मुंह से लेके उसकी दुम तलक उसके ऊपर पानी डाल के उसको साफ सुथरा करना, आइए ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का यार, बड़ी मेहरबानी, आप लोग लाइक करो या ना करो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, अरे बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया मैम भाई, अल्लाह हाफिज। हाँ जी इमरान भाई, हो गई मुकम्मल स्टोरी इमरान भाई की, हो गई यार बात। चले व्यूअर्स आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोगों को जो है इमरान भाई ने बहुत अच्छी आपको जो है वो न्यूज़ बताई है, मंडी के हवाले से, मंडी के हवाले से भी, जानवर के भी हवाले से भी, बीमारियों के जरूरी चीज है, सही बात। तो बस आप जो है ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।